गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 13 पावर एंड एक्सपोनेंट। तो अभी हम एक्सरसाइज 13.2 के नंबर 5th में पहुंचे हैं। सिंपलीफाई का सम है जिसका है नंबर 1। ओके, ये सम मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था, फिर से समझा दूं क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है और ये एक ही सम में बहुत सारे रूल्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर रूल हम करेंगे कि ये जो एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और दूसरी पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये दोनों पावर का होगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2:10। अब दूसरी मेथड हमने ये देखी कि यहाँ ये 2, 7, 7 का प्राइम नंबर है बट 8 कंपोजाइट नंबर है, तो जो कंपोजाइट नंबर होता है उसके हम फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो 8 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 × 2 × 2। ओके, 2×2 = 4, 2×8 = 3 × 7। अब फिर से एक नया रूल आया कि अब ये बेस है, पावर कॉमन है ब्रैकेट के बाहर, तब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तब ये पावर इंडिविजुअल तीनों तीन नंबर का हो जाएगा। तो ये देखो तीनों तीन का हो गया। अब ये आगे कौन सा रूल किया कि ये तीनों तीन का बेस सेम है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो पावर का कर दिया प्लस। और फिर एज यूजुअल सिंप्लीफाई, जो अब यहाँ देखो ऊपर नीचे डिवीजन में है तो पावर का होगा माइनस, तो हमारा आंसर आया 98। ओके, तो अब हम सेकंड नंबर का सम करेंगे। (25 × 5² × t^8 / 10^3 × t^4). ओके, तो यहाँ पहले हम देखें कि कोई कंपोजाइट नंबर तो नहीं है ना, और अगर वो तो हम उसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो देखो यहाँ पर है 25 और यहाँ है 10, तो हम पहले वो उसके हम प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे। तो 5 के फैक्टर्स क्या हो गए, 5 × 5 = 25। फिर यहाँ पर हमें दिया हुआ है 5² × t^8 / 10। अब 10 देखो, 10 के क्या फैक्टर्स हो गए, 2, 5 × 10, तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर पावर दी गई है और यहाँ 5 की कुछ भी पावर नहीं है, तो हम 1 पावर लिख देंगे। ओके, अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये जो 3 पावर है वो 2 के ऊपर भी लगेगी और 5 के ऊपर भी लगेगी। तो और ऊपर देखो ये 5, 5, 5 तीनों तीन मल्टीप्लाई में है, तो और बेस सेम है तो पावर का प्लस होगा, 1 + 1 + 2 × t^8 / 2:3 × 5 / 3 × t^4। अब हम ऊपर लिख रहे हैं 5:2 कितना आएगा, 1 + 1 + 2 तो कितना आएगा 4 × 5 / 4 × t^8 / 8। यहाँ सबके बेस अलग अलग है तो कुछ कैलकुलेशन नहीं होगा, ऐसे लिख देंगे 2 × 3 × 5 / 3 × t^4। अब देखो 5:4 और 5:3 तो ऊपर हम माइनस कर देंगे पावर का, 4 − 3, और यहाँ t^4 है और डिनोमिनेटर में t^4 है, तो न्यूमरेटर में पावर का माइनस हो जाएगा, डिवीजन का रूल है इसलिए। अब नीचे क्या रहा, सिर्फ 2:3 रहा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5:1 × t^4 / 2:3। ओके, पर हमें तो इसको सिंप्लीफाई इसी तरह से करना है, क्योंकि अगर 5t^4 / 2:3
बस हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर लिखने हैं। या तो ये 2:3 के बजाय क्या लिख सकते हैं, 8 2:3 मतलब 2 × 2 × 2 2 × 4 × 8 तो यहाँ पर आएगा 8, तो हमारा आंसर आया 5t4/8। ओके, तो इस तरह से यहाँ नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ओके, 3:5 × 10:5 × 25/5:7 × 6/5। तो सबसे पहले क्या कहा कि अगर कोई भी कॉम्पोजाइट नंबर हो तो हमें सबसे पहले उसके फैक्टर्स लिख देने हैं। तो यहाँ पर देखो 10, 25 और 6, ये सब के हम पहले फैक्टर्स कर देंगे 3:5 के। 10 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 × 5 = 10 × 5 और 5 × 5 × 5 / 5 / 7 × 6 के फैक्टर्स हो गए 2 × 3/5। ओके, अभी फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि जो भी कंपोजिट नंबर्स थे उसके मैंने फैक्टर्स निकाल दिए ताकि कटिंग करना इजी पड़े हमें, ठीक है। तो जैसे 10 के फैक्टर्स क्या थे, 2 × 5 = 10, 25 × 5 = 25, 5 × 6 = 2 × 3। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो अंदर ब्रैकेट के अंदर रहे दोनों नंबर की पावर हो जाएगी। इधर लिख रहे हैं हम 2 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 और 4. देखो मैंने ये दोनों ब्रैकेट ओपन किए तो ब्रैकेट के बाहर ये जो पावर थी वो दोनों की हो गई, 3 नंबर हो गए तो तीनों 3 की हो जाएगी। जैसे इसके पहले वाले सब में 8 के हमने 3 फैक्टर्स निकाले 2 2 2, तो उसके ऊपर जो पावर थी वो तीनों 3 2 के लिए हो जाएगी। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखो अगर किसी की कुछ भी पावर नहीं है तो उसकी 1 अंडरस्टूड है, हम उसके ऊपर 1 लिख देंगे। अब हम यहाँ देखो असेंडिंग में लिख दे, पहले 2:2 एक बार बड़ी कटी हो जाएगा, 2:5 कट हो गया। ओके, और 3:5 भी कट हो गया, ऊपर क्या रहा, सिर्फ 5 रहा। तो 5 की कितनी पावर है, प्लस करेंगे मल्टीप्लाई में 5 + 1 + 1 / 5:7। ओके, अब हमने इधर क्या किया, 5 × 5 × 5 सेम बेस था, मल्टीप्लाई का रिलेशन था तो पावर का हमने प्लस कर दिया। तो 5 × 5 + 1 + 1 तो क्या होगा, 5 × 5 + 1 = 6 + 1 = 7 / 5 = 7। ओके, अब ये दोनों कट हो गए तो आंसर आया हमारा 1 आंसर आया हमारा, ठीक है। फिर से पहले पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पर पहले हमें जो भी प्राइम कंपोजिट नंबर दिए थे उसको हमने प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, 10 × 2 = 5, 10, 25 × 5 × 5, 6 × 2 = 6। ओके, फिर ब्रैकेट ओपन किया तो ये पावर सबकी इंडिविजुअल हो गई। फिर देखो ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर है तो वो कट हो जाता है, तो 3:5 कट हो गया, 2:5 कट हो गया। अब क्या रहा, 5:5, 5:1 और 5:1, तो उसका हमने कैलकुलेशन किया तो क्या आया, 5:7। डिनोमिनेटर में भी था 5:7,
दोनों कट हो गए तो आंसर आया वन। अब एक्सरसाइज, अब हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करेंगे। Write the following numbers in the expanded form. Okay, यहाँ हमें ये जो number दिया है 2,79,404, इस number को हमको expand करना है। तो expand करने का topic तो हम first standard से सीखते आ रहे हैं। Okay, पर ये थोड़ा सा अलग तरह से होगा, बाकी almost method हमारी वही रहेगी। Okay, तो इसको हम expand करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो देखो, सबकी पहले हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। टू की प्लेस वैल्यू टू आफ्टर 1, 2, 3, 4, 5, 0 के 1, 2, 3, 4, 5 प्लस 7 की प्लेस वैल्यू 7, 1, 2, 3, 4 प्लस 9, 1, 2, 3 प्लस 400 प्लस 0, 0 प्लस 4। ओके, ये हमने सिर्फ एक्सपांड फॉर्म लिखा। अभी इसको हमें अलग से लिखाना है। तो देखो, ये जो है 2 × 10^5 कितने हुए 1, 2, 3, 4, 5 10^5 इस तरह से हमें लिखाना है। प्लस 7 × 10^4 प्लस 9 × 10^3 प्लस 4 × 10^2 प्लस 0 को नहीं लिखेंगे तो चलेगा, प्लस 4 × 1। ओके, और 1 पर आपको लगेगा यहाँ सबका मैंने 10 लिखा है, तो उसके लिए 1 क्यों लिखा? तो उसके लिए मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 10^0। किसी की भी 0 पावर मतलब क्या आंसर होता है? 1 आंसर होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने ये जो नंबर था उसको इस तरह से एक्सपांड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये जो 2 को अलग करके मल्टीप्लाई बाय 10^5 प्लस 7 × 10^4 प्लस 9 × 10^3 प्लस 4 × 10^2 और ये 0 वाला स्टेप मैंने मिस कर दिया है, वो नहीं लिखा है, प्लस 4 × 10^0 10^0 मतलब 1। ओके, तो इस तरह से हम इसको एक्सपांड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी एक स्टेप और भी मैं ज्यादा लिख सकती हूँ इसमें 2 × 1000 करके, हाँ, तो वो भी कोई इससे भी हमारा आंसर रॉन्ग नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो अभी आपको एक और स्टेप इसके अंदर करके ही करवा देती हूँ। जैसे 2 × 1, 1, 2, 3, 4, 5 प्लस 7 × 1, 1, 2, 3, 4 प्लस 9 × 1000 प्लस 4 × 100 प्लस 4 अकेला बराबर। 4 के लिए मैं क्या लिखूंगी?
फोर का फोर ही रखते हैं। ओके तो अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, टेन रेज वन टू थ्री फोर फाइव प्लस सेवन मल्टीप्लाई टेन रेज टू फोर, नाइन मल्टीप्लाई टेन रेज टू थ्री, फोर मल्टीप्लाई टेन रेज टू टू प्लस फोर मल्टीप्लाई टेन रेज टू जीरो। ओके टेन रेज टू जीरो, किसी की भी जीरो पावर मतलब वन, तो ये हुआ हमारा आंसर। एक स्टेप मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अभी हम और भी सम्स करेंगे तो और आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। नंबर टू, थ्री ओके, इतना बड़ा नंबर दिया है यहाँ पे, 30 करोड़ वाला, 30,06,194। तो सबसे पहले मैं ये नंबर को एक्सपांड फॉर्म कर देती हूँ, थ्री, थ्री के बाद कितने जीरो लगाऊंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स प्लस, ये जीरो जीरो के स्टेप नहीं लिखेंगे तो चलेगा, हमने बीच में मिस कर दिया। ओके ये जीरो के स्टेप लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर हम लिखेंगे, चलो लिख देते हैं कोई बात नहीं, जीरो कितनी टाइम्स आएगा, वन टू प्लस 6,000 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 4। ओके अब मैं इसको कन्वर्ट करती जाऊंगी, थ्री में से वो वन वाला अलग निकालेंगे तो थ्री मल्टीप्लाई टेन रेज़ टू कितना हुआ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। बस पहला मिल गया तो बाकी के बार बार जीरो काउंट करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप ही कर सकते हैं। जीरो मल्टीप्लाई टेन रेज़ टू फाइव प्लस जीरो मल्टीप्लाई टेन रेज़ टू फोर प्लस सिक्स मल्टीप्लाई टेन रेज़ टू थ्री प्लस वन मल्टीप्लाई टेन रेज़ टू टू प्लस नाइन मल्टीप्लाई टेन प्लस फोर मल्टीप्लाई टेन रेज टू जीरो। ओके तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके इसके पहले वाले सब में मैंने बीच में एक हंड्रेड वाला अलग किया था, पर इसमें हम ऐसे डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं। ओके तो हमारा आंसर है थ्री मल्टीप्लाई टेन रेज टू सिक्स प्लस जीरो मल्टीप्लाई टेन रेज टू फाइव। ओके बहुत ही इजी और सिंपल सम्स है। अभी एक और थर्ड नंबर का सम कर रहे हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है तो पहले इसको एक्सपांड करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव प्लस प्लस 700 प्लस 10 प्लस 9। ओके अब 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू कितने हैं, 1 2 3 4 5 10 रेज टू 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू कितना है, 1 2 3 4 4 प्लस जीरो मल्टीप्लाई टेन रेज टू थ्री प्लस सेवन मल्टीप्लाई टेन रेज टू टू प्लस वन मल्टीप्लाई टेन रेज टू वन प्लस नाइन मल्टीप्लाई टेन रेज टू जीरो। ओके तो देखो इस तरह से हमारे ये सम होते हैं कि इसको हम एक्सपांडेड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, दूसरा नाम कहे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो अभी एक और इसी मेथड का सम करें ताकि ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाए। अभी फोर्थ नंबर है,
सिंपलीफाई कर ले, 2 मल्टीप्लाई 10 रेस टू 1 2 3 4 प्लस 0 0 ओमिट कर दे तो डायरेक्ट आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 रेस टू 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 रेस टू 0। बीच में 0 का स्टेप अगर आप नहीं भी लिखते हो तो उससे आपका आंसर रॉन्ग नहीं हो सकता है, ओके। और लिखोगे तो ये थोड़ा बड़ा लगेगा, बाकी नहीं लिखने से इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता, ओके। तो ये है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे जो इससे उल्टी है पूरी। हमें इस तरह का फॉर्म दिया है और हमें सिंपल नंबर लिखना है। यहाँ पर हमें इस तरह से दिया हुआ है जिसको हमें सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है, ओके। मैथ्स में हर अल्टरनेट बहुत आता है, जैसे छोटे स्टैंडर्ड से राइट द नंबर्स इन वर्ड्स, वर्ड्स को फिगर में लिखो, फिगर को वर्ड्स में लिखो, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर, प्रॉपर को मिक्स में लिखो, मिक्स को प्रॉपर में लिखो, इस तरह के अल्टरनेट सम्स आते ही रहते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमें ये जो नंबर दिया है उसको हमें क्या करना है, सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है, ओके। तो हम किस तरह करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 4 मतलब 1 आफ्टर 4 0 1 2 3 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 आफ्टर 3 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 10 रेज टू 1 मतलब सॉरी 10 रेज टू 0 मतलब 1। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 8 1 8 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस 6 1 6 1 2 3 प्लस 0 आएगा यहाँ पर, 4 10 40 प्लस 5, ओके। अब हम ये नंबर आराम से लिख सकते 86045, ओके। ये हमारा क्वेश्चन आ गया 86045। बीच में कॉमा नहीं भी करें तो भी कोई उससे रॉन्ग नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर से बता दूं क्या किया इधर हमने, तो इसके पहले हमने जो भी सम्स किए उसका हमने अपोजिट करना है। उसमें हमें इस तरह का नंबर दिया था और हमें उसको इस तरह से एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, और यहाँ हमें क्या कहा है कि ऑलरेडी एक्सपांडेड फॉर्म में है जिसमें से हमें सिंपल नंबर लाना है। तो 10 रेस टू 4 मतलब 1 आफ्टर 4 0, 10 रेस टू 3 मतलब 1 आफ्टर 3 0, इस तरह सिंप्लीफाई करके हमने ये नंबर लिया है, ओके। सिंपल नंबर में हमने ये एक्सपांडेड फॉर्म के नंबर को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी मेथड के आगे सम से कंटिन्यू काम करेंगे। थैंक यू।